हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। सहारा में फंसे हुए पैसों पर बड़ा अपडेट। सहारा से भी रिफंड अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन बीते 11 सालों में मुश्किल से कोई दावेदार सामने आया हो। ऐसे में केंद्र सरकार इस अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसके बाद इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दावा करने वाले निवेशकों को रिफंड मिलने का भी प्रावधान है। मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर रखा पैर, भड़के फैंस। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया है। इस बीच सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पैर रखे नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देखकर क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। कई फैंस ये कह रहे हैं कि तुम ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें ट्रॉफी का सम्मान करना नहीं आता। कुछ फैंस तो इसे वर्ल्ड कप का अपमान बताते हुए मार्श पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। चीन विरोधी जेवियर होंगे अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। धूर दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली अर्जेंटीना के अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्हें इस चुनाव में 56% वोट मिले हैं। 22 अक्टूबर 1970 को जन्मे माइली ने चुनावी अभियान में लोगों को आर्थिक समस्या से निजात दिलाने को लेकर कई वादे किए हैं। इसके साथ ही चुनाव अभियान के दौरान देश में केंद्रीय बैंक को खत्म करके नई व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। जेवियर साम्यवाद के विरोधी माने जाते हैं। वह चीन की खुलकर आलोचना करते हैं। रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया की पत्नी ने अलग होने के लिए मांगे 11,000 करोड़ रुपए। रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी ने उनसे अलग होने के लिए संपत्ति में 75% की हिस्सेदारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज ने कुल संपत्ति में से 11,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। सिंघानिया इस शर्त से सहमत भी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया है। इसमें परिवार की वेल्थ और एसेट्स ट्रांसफर होंगे। हालांकि नवाज ट्रस्ट बनाने पर सहमत नहीं है। यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, बदले गए कई प्रभारी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में बड़ा फेरबदल किया है। आलाकमान के आदेश के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कई जिला और क्षेत्र प्रभारियों को बदल दिया है। अमर पाल मौर्य को काशी क्षेत्र, संजय रॉय को अवध क्षेत्र और जीएन शुक्ला को गोरख क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं एमएलसी सुभाष यदुवंश को पश्चिमी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। OpenAI में नहीं होगी सैम की वापसी। OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन की कंपनी में वापसी नहीं होगी। अब कंपनी का अंतरिम सीईओ एमेट शियर को बनाया गया है। सैम को बर्खास्त करने के बाद बोर्ड ने मीरा मुराती को सीईओ बनाया था, लेकिन उन्हें भी अब हटा दिया गया है। 48 घंटे के नेगोशिएशन के बाद कंपनी के बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सैम की कंपनी में वापसी नहीं होगी। हालांकि कुछ निवेशक और कंपनी के कर्मचारी सैम को कंपनी में वापस लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। इसकी सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। बता दें कि संजय सिंह 4 नवम्बर को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।